अध्यक्ष महोदय, चला अध्यक्ष महोदय, मुझे न्याय दीजिए, मेरा संघर्ष कीजिए। चला अध्यक्ष महोदय, ये क्या अध्यक्ष महोदय, मैं वहाँ खड़े रह के आप एक सदस्य को गद्दार बोल रहे हैं। ये सत्तार जी आप सुन रहे हैं? रईस जी, ये आप सुन रहे हैं सत्तार जी? हाँ रईस जी, क्यों इनको एक रईस शेख मिला जिसको गद्दार कहना है? हाँ, इस तरह से आप सुन रहे हो बैठे वहाँ पर कि रईस शेख को खड़े रह के गद्दार बोल रहे हैं? क्या मैंने बोला? मैं खुलासा दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, कौन ही रजा अकेडमी? अरे बाबा, तुम्ही समाजवादी पक्षाचे आमदार आहेत का रजा अकॅडमीचे आहेत? तुम्हाला काय एवढं झोंबतं? ज्या रजा अकॅडमीला या देशाचं संविधान मान्य नाही, त्यांना शरिया कायदा या देशामध्ये लागू करायचा आहे, अशा रजा अकॅडमीला साधं महाविकास आघाडीचं सरकार असताना हे लोक बंदी पण घालू शकले नाही। म्हणून अध्यक्ष महोदय, हिंदुत्वाची भाषा किंवा गद्दारी बहिमानी हे लोकांनी तो बोलूच नाही हो, म्हणून बोलताना बघा समोर बसत पण नाही। असेंबली के सदस्य को गद्दार बोलने क्या अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये प्रथा इनकी? अध्यक्ष महोदय, अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव पे आपने बोलने की मुझे अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। और नितेश राणे जी के बाद बिल्कुल बोलने की अनुमति दी, उसके लिए भी धन्यवाद। अभी आप मत जाइएगा, अभी सुनिएगा आप। मैं आपको रजा अकेडमी के अंदर उसके दफ्तर के अंदर आशीष शेलार जी वहां पर जाकर रजा एकेडमी के मौलाना को नमन करते हैं वो पिक्चर्स दू? अध्यक्ष महोदय, या सदनाचे सन्माननीय सदस्य आशीष शेलार जे सभागृहात नाही आहे, दोन मिनिट हा, त्यामुळे त्यांच्या नावाचा उल्लेख जो यांनी केलाय, अध्यक्ष महाराज असं होऊ नये की आम्हीच तुमच्याकडे बघून बोलायचं। कुणालाही मला मध्ये बोलायचा अधिकार नाही, मी त्यांनाही सांगितलं मध्ये बोलू नका। आणि सामान्य सदस्यांनी भाषण करताना अध्यक्ष, माझी एवढीच आपल्याला विनंती आहे, या चेअरवर आपण बसलात त्याची एक फार मोठी परंपरा आहे। आपण जसं सांगता की आम्ही आपल्याकडे पाहून बोलावं, तसं इतरांना पण आपण इतरांनाही समज देतो, जबाबदारी इतरांनाही समजले ना, सर्व सभागृहाला आहे, सदनाची जबाबदारी आहे तेवढीच। शांत शांत बसा, चला रईस जी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज जिस प्रेम से आपने मुझे चिल्लाया मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो, क्योंकि मैंने देखा कि नितेश रानी जी को भी आप किस तरह से संबोधित कर रहे थे और मुझे भी। अध्यक्ष महोदय अभी मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैंने आज बहुत प्रेम देखा आपकी तरफ से। अध्यक्ष महोदय जी, इस सभागृह में मैं एक सदस्य हूं, मैं आप सबकी तरह चुन के आया हुआ हूं और मेरा सम्मान या मेरा अधिकार आप सबके बराबर है, लेकिन आज जिस भाषा का प्रयोग मेरी तरफ किया गया इस सभागृह के अंदर, अगर उसकी निंदा नहीं होती है तो आज रईस शेख नहीं किसी और के लिए भी उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मुझको देखकर एक इंसान गद्दार कहता है तो मेरे लिए आपको संरक्षण के लिए खड़ा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि न्याय आपसे ही मांग सकता हूं। मुझे बताइए, इस सभागृह में एक सदस्य जो एक लोक प्रतिनिधि है उसको गद्दार कहा जाए तो उसने क्या करना चाहिए? वो चेयर की तरफ देखता है, संरक्षण के लिए। अब मुझे बताइए आप, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, इसलिए कि मैं यहां पर एक गलत बात कही गई उसके लिए मैं खड़ा हुआ, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, मुझसे बहुत सीनियर है, कोई 4 टर्म है, कोई 5 टर्म है, लेकिन इसी तरह से लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं खड़ा हो गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? अध्यक्ष महोदय, गद्दार जैसे शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है इस सभागृह के अंदर, बाहर की बात और है अध्यक्ष महोदय। हम अगर सीढ़ी पे खड़े रहके बोलते गद्दार अलग बात है, लेकिन यहां पर खड़े रहके एक सदस्य को गद्दार बोला जा रहा है, अध्यक्ष महोदय आपसे न्याय चाहिए मुझे। वो कोई भी चीज रिकॉर्ड पे नहीं आएगी, और मैं सबको 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 एक बार सबको फिर से कहता हूं कि ये सभागृह में कोई भी सदस्य रहो, एक में के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप न करते हुए जब आपका वक्त आएगा, जब आपने को बोला दिया जाएगा, वो टाइम सिर्फ प्रस्ताव पे आप बोले। अभी मैं मेरा भाषण बाजू में रख के कुछ बातें करना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे बड़ा प्रेम मिला है सभागृह में। अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से देख रहा हूं एक सन्मान्य सदस्य अलग अलग मीडिया के माध्यम से एक पर्टिकुलर कमिटी को, कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताइए, आज यहां पे रजा एकेडमी की बात की गई बिना किसी पुरावे, कहा जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, ये किस तरह का आरोप है? इसी रजा एकेडमी के साथ
सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी, मैं फिर कहेंगे कि सभागृह में नहीं है। सन्मान्य कई सदस्य फोटो निकालते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, उनके कार्यक्रम में सहभाग करते हैं, वो खुद यहाँ पर इस असेंबली के बाहर डालना हो या मंत्रालय के अंदर आते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर हम किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लगाते हैं तो उसके बैकग्राउंड को सोचा जाए कि क्या है। अगर कोई बात आपको गलत लगती है, आप तो अभी सत्ता में हो, आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। अध्यक्ष महोदय, ये अंतिम हथौड़े के माध्यम से हम राज्य की परिस्थिति पे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात चल रही है यहाँ पर? पर्टिकुलर एक सदस्य नहीं है यहाँ पर, उनको टारगेट किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे बात कीजिए ना, महिलाओं की क्या परिस्थिति है उस पर बात कीजिए, गुटखा जो बेचा जा रहा है उस पर बात कीजिए, ड्रग्स की क्या हालत है उस पर बात कीजिए। आपको मैं बोलता हूं अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी या जो राज्य में परिस्थिति हुई उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बहुत खराब है, लॉलेसनेस है। मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस पे एक अंकुश नहीं है आपका। आज मैं आपको आज आंकड़े लाके दिखा रहा हूं, मैंने आंकड़े लिए हुए, मैं भिवंडी शहर का ले पाया, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे राज्य का निकालूं। पॉस्को के केसेस की आप माहिती लीजिए कि पिछले 3 महीने में कितना बढ़ गया है, क्योंकि आपका ध्यान राज्य पे नहीं है, आपका ध्यान राज करने पे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या गुहार लगाने आया, और मैं सुना कि आज गद्दार, मैं किसकी बात करने आया हूं? मैं एक 10 साल की बच्ची की बात करने आया हूं जिसकी हत्या हो गई, उसके बाप ने किया और रेप हो गया उसके साथ, उसके बाप ने किया, मैं उसकी बात करने आया था, मुझे गद्दार सुनने को मिला आज। अध्यक्ष महोदय, ये बात कौन सुनेगा? हम किस तरह की बात कर रहे हैं, राजनीति को किस स्तर पर ला रहे हैं अध्यक्ष महोदय? अरे देश की बात तुम क्या करोगे, देश की बात मैं आपको करके सुनाता हूं। आज चौधरी कोचिंग क्लासेस, ओनली क्लासेस इन भिवंडी, जिसने सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स में 4 सिलेक्शंस एम्स में दिलाए, 75 प्लस एडमिशन गवर्नमेंट MBBS हुए और 250 टोटल मेडिकल सिलेक्शन करवाए। यश सोन कुसाले ने 2021 नीट में 720 में से 705 मार्क्स लेकर 14th ऑल इंडिया रैंक लिया और दिल्ली एम्स में सिलेक्शन हुआ। चौधरी कोचिंग क्लासेस में 10th पास, 12th अपियर्ड पास और रिपीटर्स के लिए नीट एडमिशन फुल स्विंग में जारी है, तो आज ही क्लासेस विजिट कराएं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।